मैं एक बात सोच रही थी। तो छोड़े, आजकल के दौर में कौन अखबार पढ़ता है? बहुत ही कोई ओल्ड फैशन है। नहीं, सोच रही थी कि आपको क्या लगता है, सव्यार अपने घर वालों को रिश्ते के लिए मना लेगा? भाई, जमीन और आसमान का फर्क है उनके और हमारे स्टेटस में। तश्वीश तो मुझे भी है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो अपनी जबान पे कायम रहेगा। अच्छा, चलो देखते हैं उसकी बात में कितना दम है। वैसे मुझे नहीं लगता कि वो जो औरत है ना, इतनी आसानी से इस रिश्ते के लिए मान जाएगी। देखते हैं। इसका कदर बदतमीज लड़कियां, तुम्हें गुसल खाने में बंद करके भाग गई। पता नहीं दादी, मस्करियां करती है मेरे साथ, नए नए तमाशे लगाती है। वो तो सब ठीक है बेटा, मैं तुम्हारे भाई और भाभी को कैसे समझाऊंगी? मैं वो तो समझते हैं कि तुम में और जावियार में कुछ ये तो अल्लाह का शुक्र है कि आपको मुझ पे भरोसा है, वरना मेरा यकीन कौन करता है? आखिर में लड़कियों को तुमसे क्या दुश्मनी है बेटा? पता नहीं दादी, मस्करियां करती हैं, मेरे पीछे पड़ी हुई हैं, मुझे बदनाम करने पे तुली हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि ऐसा क्यों करती है। मेरा कसूर है कि तुम्हें मैंने नहीं सिखाया कि घर से बाहर निकल के लोगों से कैसे बात करनी, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे तो उसे कैसे जवाब देना है। मेरा कसूर? आपका कसूर नहीं है दादी, आपने तो अपनी नायाब को साबिर बनाया, उसे बुराई का जवाब अच्छाई से देना सिखाया है। और अपना मैं ऐसी हूं, मुझे यही अच्छा लगता है। बेवकूफ, इसीलिए तो मैंने तुझे कॉलेज भेजा था, ताकि तू लोगों में उठे बैठे तुझे दुनिया का पता चले, ताकि कुछ अकल आ जाए, कुछ समझ आ जाए। कल को मैं नहीं होगी तो धक्के लग। अल्लाह ना करे दादी, आपके बगैर ना आपका दिल नहीं लगना इस दुनिया में, इसलिए ऐसी बातें मत किया करें। आप देखना ही है बेटा कि जावियार और उसके घर वाले क्या फैसला करते हैं।